YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम दबाकर पाए प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक पलामू जिला कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक आज डाल्टनगंज शहर स्थित सार्वजनिक दुर्गा मंडप में बुलाई गई। बैठक में मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सोना खान के अलावे भाजपा प्रदेश मंत्री मनोज सिंह, पलामू जिला अध्यक्ष नरेंद्र पांडे सहित कई वरीय नेता और पार्टी पदाधिकारी उपस्थित रहे। आज की बैठक में जिला कार्यकारिणी सदस्यों को अपने पंचायत क्षेत्रों में कम से कम 50-50 की संख्या में नए सदस्यों को जोड़ने की जिम्मेवारी दी गई। मोर्चा सशक्त बने इसके लिए कार्य समिति सदस्यों को पूरी सक्रियता, प्रतिबद्धता और समर्पण भाव के साथ कार्य करने की जरूरत पर बल दिया गया। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों में अल्पसंख्यक भाई बहनों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी आज की बैठक में मुख्य रूप से चर्चा की गई। वहीं वक्ताओं ने कहा कि अल्पसंख्यक समाज के विकास करने के लिए पार्टी कटिबद्ध है। बैठक की अध्यक्षता अल्पसंख्यक मोर्चा की पलामू जिलाध्यक्ष लड्डू खान ने की, जबकि संचालक समीम अख्तर ने किया। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के पलामू जिला कार्य समिति की पहली बैठक है जी, और ये बिल्कुल संगठनात्मक बैठक है क्योंकि प्रत्येक जिला में मैं प्रवास कर रहा हूँ। कल मैं गढ़वा में था और वहाँ भी अल्पसंख्यक मोर्चा गढ़वा जिला कार्य समिति की बैठक में मैं शामिल था। आज यहाँ हूँ, कल लातेहार में रहूँगा, तो लगातार ये चल रहा है मेरा। इस बैठक में अल्पसंख्यक मोर्चा के जितने पदाधिकारी हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, उनसे बात होगी। मंडल की कमेटी बनी नहीं बनी उस पर हम चर्चा करेंगे और संगठन का विस्तार बूथ स्तर तक कैसे हो अल्पसंख्यक मोर्चा में, आज का ये बैठक मुख्य से उसी उद्देश्य से है। ये भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा पलामू जिला कार्य समिति की आज ये बैठक दुर्गा मंडप में हो रही है। सबसे पहले तो हम अपने अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री सोना खान जी का हम यहाँ पर हृदय से स्वागत करते हैं। आज की यह जो बैठक है, ये भारतीय जनता पार्टी की जो अल्पसंख्यक मोर्चा है, इसकी संगठनात्मक बैठक हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी का यह नारा जो सबका साथ और सबका विकास, यानी सबका विकास करना और सबको साथ लेकर के चलना, इस बैठक से चरितार्थ भी हो रहा है। और अल्पसंख्यक मोर्चा का जो संगठन है पलामू जिले में, ये हमारा मंडल स्तर से लेकर के पंचायत स्तर तक गठित हो चुका है। और अल्पसंख्यक मोर्चा के जो अपने पदाधिकारी हैं, जो जिले के जो मंडलों के जो अध्यक्ष हैं, मंडल के जो कमेटी के लोग हैं, हम सब मिल करके एक देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर के भारत को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए हम सब मिल करके यह कार्य करने जा रहे हैं। और अल्पसंख्यकों में यह एक विश्वास जगा है आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के प्रति कि आज देश में जो विकास हो रहा है, जो जिस गति के साथ सबका विकास हो रहा है, उसके प्रति लोगों में एक सद्भावना भी है कि मोदी जी सबके साथ लेकर के चल रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि पिछले 3 वर्षों में जिस प्रकार का कार्यकाल हमारा केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार का रहा, कहीं से किसी भी प्रकार की कोई विसंगति नहीं रही है। हम सबको लेकर के चल रहे हैं, सबके साथ चल रहे हैं। और इसी के कारण आज यह कार्यक्रम भी आयोजन हुआ है। हम जिले से लेकर के पंचायत स्तर तक अल्पसंख्यकों को जोड़ेंगे, उनको पार्टी का कार्य भी करेंगे और विकास में भी उनकी सहभागिता होगी। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।